वास्तुशास्त्र में सिंबल्स का, प्रतीकों का अध्ययन लगभग उतना ही पुराना है जितना पुराना ये शास्त्र है। हजारों सालों से उसके ऊपर रिसर्च की गई है, इनके इफेक्ट्स को जज किया गया है, पहचाना गया है, और उसके आधार पर ही घरों में अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग कोनों में, गेट के जो मेन एंट्री है उसके बाहर, उसके अंदर अलग अलग चित्र, अलग अलग किस्म के प्रतीक लगाने की परंपरा सदियों से रही है। लेकिन रिसेंटली जो नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग के ऊपर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोका पिलर, उसका एक मॉडिफाइड वर्जन पेश किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर आदरणीय मोदी जी के द्वारा, तो उसमें उसके ऊपर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, और आज हम लोग इस वीडियो में उसको क्लैरिफाई करना चाहते हैं एस्ट्रोनोमोलॉजी के अनुसार और वास्तुशास्त्र के अनुसार उसके क्या पॉसिबल इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये एक मॉडिफाइड वर्जन है, और देखने में अग्रेसिव फील होता है, जहाँ पे शेर के कुछ दांत नजर आ रहे हैं, और ये देखने में एक अग्रेशन फील हो रहा है जहाँ पे शेर एक अग्रेसिव मुद्रा में है। तो ये प्रतीक एक बाहर के लोगों के प्रति, बाहर के लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में भारतीयों के प्रति एक अग्रेसिव अप्रोच, एक अग्रेसिव इमेज जनरेट करता है या करेगा फ्यूचर में, जहां पर ये लगता है कि हम अपने काम के प्रति, अपनी इंडिविजुअलिटी के प्रति, अपने लोगों के प्रति, क्योंकि शेर जो है वो झुंड में रहना पसंद करते हैं, शेर जो है वो यूनिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, शेर पावर को भी रिप्रेजेंट करता है, शेर लीडरशिप को, नेतृत्व को भी रिप्रेजेंट करता है, और शेर कैपेबिलिटीज को भी रिप्रेजेंट करता है, शेर स्पीड को भी रिप्रेजेंट करता है, शेर फुर्ती को भी रिप्रेजेंट करता है। कई सारी उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, कई सारी उसकी कैपेबिलिटीज हैं उस प्रतीक की, शेर के प्रतीक की, और जब हम एक अग्रेसिव फॉर्म में शेर को दिखाते हैं इसका मतलब है कि वो अटैक करने के लिए तैयार है, इसका मतलब है कि वो शांत नहीं बैठा हुआ है। अगर आप उसके साथ ज़रा सा भी छेड़खानी करोगे तो वो आपको पलट के आपके ऊपर अटैक कर सकता है। तो जहां पिछले कुछ सालों में भारत के ऊपर फॉरेन एक तरह की काफ़ी सारे इंटरफेरेंस हुए, हमारे यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हुई, हमारे सैनिकों के साथ बॉर्डर पर हमारे साथ एक अटैक की फॉर्म हुई हमारे ऊपर, इस किस्म की जो हमारे ऊपर अटैक्स हैं उनको काउंटर करना है, तो ये प्रतीक बहुत पॉजिटिव इमेज देता है कि हम एज एन इंडियन, हम लोग भारत एक देश के रूप में तैयार हैं, अगर आप हमें तंग करोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, ये प्रतीक ये इमेज कन्वे करता है। लेकिन अगर हम अपने कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो ये प्रतीक साथ में ये भी बताता है कि हम अपने काम के प्रति अग्रेसिव हैं, हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाएंगे। इसके बेस में जो पहले से तीन चिन्ह और हैं, एक बुल का प्रतीक है, एक हॉर्स का प्रतीक है, और एक एलिफेंट का प्रतीक है, अपार्ट फ्रॉम द लॉयन, लॉयन भी है। तो ये तीन जो हैं ये एनिमल्स अपनी पावर के लिए, अपनी एनर्जी के लिए जाने जाते हैं। तो भारत शुरू से अपनी क्षमताओं के प्रति, अपनी क्षमताओं के लिए जाना जाता है पूरे विश्व में। लेकिन अग्रेशन लॉयन का जो अग्रेशन है हेड ऊपर सबसे टॉप पर चारों दिशाओं में, वो ये बताता है कि चारों दिशाओं में हम ये मैसेज भेजना चाहते हैं कि वी आर केपेबल, हमारी स्ट्रेंथ्स के ऊपर भरोसा कीजिए, हम लोग आपकी जिम्मेवारियों को उठाने के लिए केपेबल हैं और हम अग्रेसिवली उसको निभाएंगे। आपकी जिम्मेवारियाँ उठाने का मतलब जैसे एलिफेंट है, हॉर्स है, वो बोझ भी उठाने के काम आते हैं, वो जिम्मेवारियाँ निभाने के काम आते हैं, इंसान उसका इस्तेमाल कर पाता है। तो हम भी ये बताना चाहते हैं कि वी कैन ऑल्सो वर्क लाइक एलिफेंट, लाइक अ हॉर्स। हमारे अंदर एनर्जी है, हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, स्टेमिना है, और हम लोग कमिटेड हैं, डिटरमिंड हैं, और हम लोग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा सकते हैं कि जैसे आप हमें सॉफ्टवेयर बनाने का काम दीजिए, आप हमें दवाइयाँ बनाने का काम दीजिए, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन दीजिए, कोई और मैन्युफैक्चरिंग आप हमें सबलेट कीजिए, आप हमें असाइन कीजिए कॉन्ट्रैक्ट्स, तो हम आपके लिए काम करने के लिए तैयार हैं और हम केपेबल हैं आपकी जिम्मेवारी को निभाने के लिए। तो ये प्रतीक उस रूप में काफ़ी अच्छा है। अग्रेशन के दोनों ही मीनिंग निकलते हैं, एक अग्रेशन है काम के प्रति कि हम अग्रेसिवली अपना काम करेंगे, अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएंगे। अग्रेशन थोड़ा नेगेटिव साइड पे हो सकता है कि जहाँ पे इमेज आती है कि अगर आप हमें छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आप छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, तो ये एग्रेशन थोड़ा नेगेटिव एक मीनिंग दे सकता है। पहले वाले लॉयन थोड़े से काम थे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि पुराने वाले लॉयंस को हम लोग, पुराना जो प्रतीक था, हम लोग घर में भी वास्तुशास्त्र में उसका उपयोग बताते थे, खासतौर पर जब कोर्ट केसेस में प्रॉब्लम आती थी और हम ये कहते थे कि यदि नॉर्थ वेस्ट में इस सिंबल को लगाया जाए तो आप गवर्नमेंट सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक जनरल रेमेडी थी, लेकिन एक्चुअली कोई भी इफेक्ट है वो आपके नंबर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपके बर्थ डेट के नंबर्स क्या हैं, आपके बर्थ नंबर्स क्या हैं, और आपके वास्तु की एनर्जीज उनसे कितना जेल करती हैं, कितना के साथ हार्मनी में है। तो नया जो प्रतीक है ये नंबर 9 की और नंबर 4 की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला प्रतीक है। तो ये पावर यदि आपके नंबर्स 4 एंड 9 आपके लिए लकी प्रूव होते हैं, आपके लिए फायदेमंद रहे आपकी लाइफ में, आपके लाइफ के इवेंट्स में, तो ये प्रतीक डेफिनेटली आप अपने घर में लगा सकते हैं। अदरवाइज इस प्रतीक को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये एग्रेशन की फॉर्म है और इसको घर में लगाने से आप किसी भी दिशा में लगा लेंगे तो आप एक गवर्नमेंट से भी प्रॉब्लम हो सकती है, इन जनरल आपकी सोसाइटी में, आपके आसपास के लोगों में, आपके सपोर्ट सिस्टम में, आपके रिलेटिव्स
में आपकी इमेज एक अग्रेसिव आदमी की बन सकती है, जहाँ पर उनको एक बात करते हुए हो सकता है सोचो कि पता नहीं किस बात पे नाराज़ हो जाएंगे। तो अग्रेसिव फॉर्म के कोई भी प्रतीक हम इन जनरल मना करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको क्लैरिटी देगा कि किस प्रतीक को अपने घर में लगाना चाहिए और अशोका पिलर की मॉडिफाइड वर्जन को, और कैसे इसका उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।